नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीकली रिवीजन करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम रिवीजन करने वाले हैं सप्ताह भर के हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। बता दें कि भारत ने यह पांचवी बार जीता है, पांचवी बार इस खिताब पर अपना नाम यह खिताब अपने नाम किया है। दूसरा प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ तैयार किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट कश्मीर के गुलमर्ग में तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर तीन, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? इसका अनावरण प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में किया है। अगला प्रश्न, संत श्री रामार्जुन की याद में यह स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की मूर्ति बनाई गई है। आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एम जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। UGC अध्यक्ष की यदि कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। अगला प्रश्न है, नेताजी पुरस्कार किसे दिया या किसने जीता? नेताजी पुरस्कार जो जीता है वो जीता है शिंजो आबे ने। अपनी नोटबुक लेकर तैयार रखें और इन क्वेश्चन को नोट करें। ये सप्ताह भर की या महीना भर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बनी है। नूसंतारा, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जल्दी से देखें। अगला, सबसे फुटबॉल खिलाड़ी 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2022 का सबसे फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? वो बने हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की जो पोलैंड के हैं वो सबसे सबसे खिलाड़ी बने हैं। डॉक्टर भी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे मिला है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला या किसने जीता? तो मिला इसका उत्तर होगा हर्षाली मल्होत्रा ने जीता है। अगला प्रश्न, इंडिया ओपन बैडमिंटन का
खिताब किसने जीता? खिताब जीता है, वो जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन किसे हराकर ये जीता है? सोन कीन लोउ कीन यू को, सिंगापुर के लोन की यू को हरा। महिला एशिया महिला हॉकी कप, हॉकी कप किसने जीता? तो ये जीता है जापान ने। जापान ने जीता है किसे हराकर? कोरिया को हराकर। और पूछे इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता? भारत ने पदक जीता है जिसका नाम है कांस्य पदक। कांस्य पदक इसमें भारत ने जीता है। पैन एम हॉकी महिला हॉकी कप किसने जीता? पैन एम महिला हॉकी कप, महिला हॉकी कप किसने जीता? ये जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जीता है किसे हराकर? चिली को हराकर। चिली को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है, चिली को हराकर। अगला, संसद ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? संसद ने कौन सी ऐप लॉन्च की? ये बनाई है डिजिटल संसद। डिजिटल संसद ऐप लॉन्च की है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी समारोह में, 26 जनवरी के समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? किस राज्य की रही? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है। और पूछे लोकप्रिय में लोकप्रिय झांकी किसकी रही है? लोकप्रिय झांकी रही है महाराष्ट्र की। लोकप्रिय झांकी रही है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न, यदि ये वीडियो आपको लग रही हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें। तोंगिया महोत्सव कहां मनाया गया? तोंगिया महोत्सव कहां मनाया गया? ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है तोंगिया महोत्सव। अगर इससे रिलेटेड जल्लीकट्टू कहाँ मनाया गया? जल्लीकट्टू मनाया गया है जिसका नाम है तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई है? प्रतियोगिता ये हुई है महाराष्ट्र में। कहाँ हुई है? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया गेम 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा मध्य प्रदेश। देश की करेगा कर्नाटक। ये हमारे रिवीजन चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव कहाँ ये मना दुबई में। और इसमें स्वर्ण पदक जो जीता है वो सुमित ने जीता है। भारत की सुमित भाले ने। ये कहाँ से हैं? ये है महाराष्ट्र से। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से हैं। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती?
ये जीती है लद्दाख में, लद्दाख ने किसे हराकर, तेलंगाना को हराकर। लद्दाख में एक त्योहार बनता है जिसका नाम है सिप्तुक गस्टर त्योहार। सिप्तुक गस्टर त्योहार कहाँ बनता है, लद्दाख में बनता है। अगला प्रश्न, भारत का स्टार्टअप राजधानी कौन बनी, भारत की स्टार्ट अप राजधानी राजधानी कौन बनी, तो ये बनी है स्टार्टअप राजधानी की बात करें तो ये बनी है दिल्ली। दिल्ली आज 100% बच्चों को वैक्सीन, बच्चों को वैक्सीन वैक्सीनेशन देने वाला कौन बना है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बना है। आगे बात करते हैं 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला या धुआं रहित सौ प्रतिशत एलपीजी कनेक्शन या स्मोकलेस स्टेट कौन बना है, राज्य कौन बना है। स्मोकलेस जो राज्य बना वो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। वन टाइम ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का पुरस्कार किस राज्य ने जीता, ई गवर्नेंस का पुरस्कार, ई गवर्नेंस का पुरस्कार जीता है नागालैंड ने, नागालैंड, नागालैंड ने जीता है। अगला प्रश्न, लेखा महा नियंत्रक कौन बनी, लेखा महा नियंत्रक कौन बनी, तो ये जो बनी है लेखा महानियंत्रक सोनाली, सोनाली सिंह लेखा महानियंत्रक बनी है। अब आपसे पूछा जाए नाइलेट, नाइलेट बोले तो नेशनल राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष कौन बने, नाइलेट कौन बने हैं, नाइलेट NIELIT राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी संस्थान के जो अध्यक्ष बने हैं, महानिदेशक बने हैं, महानिदेशक, महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन, डॉक्टर मदन, डॉक्टर मदन त्रिपाठी, मदन मोहन त्रिपाठी। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वो बने हैं वी आनंद, वी अनंत नागेश्वर, वी अनंत नागेश्वर बने हैं। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं, नए अध्यक्ष एस सोमनाथ, एम सोमनाथ नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, परम प्रेगा किसने बनाया, परम प्रेगा सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया है INS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया है। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बैट द जेट किसने, दुनिया, दुनिया की हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट द जेट का निर्माण किसने किया, तो इसका जो निर्माण किया है वो किया है दुबई ने, दुबई ने निर्माण किया है। सबसे बड़ी कैनाल
लॉक का निर्माण या उद्घाटन किसने किया? सबसे बड़ी कैनाल लॉक का को लॉन्च किसने किया? ये किया है नीदरलैंड ने, नीदरलैंड ने किया है। हैप्पी शॉप कहाँ खोले या किसने खोले? हैप्पी शॉप किसने खोले? खोले वो खोले हैं एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने खोले हैं। और एक महारत्न कंपनी है, तो सबसे पता है नवीनतम महारत्न का, महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी है। अगला प्रश्न, कर्नाटक के किस मंदिर को, कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व धरोहर में नामित किया है? वो है होयसल मंदिर को, या होयसला मंदिर को किया गया है, होयसला मंदिर को नामांकन किया गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ खुला है? ये खुला है मध्य प्रदेश में। जियोलॉजिकल पार्क पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में। लॉरियस पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? अगला प्रश्न, लॉरियस पुरस्कार के लिए नामित कौन हुए? वो नामित हुए नीरज चोपड़ा। ये हमारे सप्ताह भर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस वीडियो को सुन के ही ना छोड़े, अपनी नोटबुक में लिखें या आपके आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।